आप सबको पता है कि अभी जो सिचुएशन है लॉकडाउन के बाद अभी क्या सिचुएशन चल रही है, पर अभी कैसे अनलॉक अभी चालू हुआ है तो बहुत सारे जो कार्स के जो शोरूम है अभी ओपन हो रहे हैं, और जिन्हें जिन्हें कार्स बाय करने की है वो शोरूम में जाके रश कर रहे हैं, वो कार बाय कर रहे हैं। जो स्थिति मई में थी कार सेलिंग के मामले में वो अभी जून में नहीं रही, पर अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे जून 2019 की तो उसकी अगर कंपैरिजन में जो सेल था वो बहुत ही कम था, बट अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे मई 2020 की तो उससे कंपैरिजन में जून 2020 में कार का सेल बहुत ही अच्छा था। बट यहाँ पे अभी भी कुछ जो कंपनियां हैं वो 60% से भी ज़्यादा कार सेलिंग का जो रेशियो है वो अभी भी लॉस कर रही है। बट यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी है, जो कुछ कुछ कंपनी है उसका सेल है वो ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले कि जून 2020 में कौन से कार कंपनी ने कितने यूनिट से वो सेल किए हुए हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस करो, क्योंकि ऐसे में कार रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पोजीशन पे है वॉल्सवैगन इंडिया, जिसके यूनिट सेल हुए थे जून 2020 में 1510 यूनिट सेल हुए थे। काफ़ी डिसेंट नंबर है वॉल्सवैगन इंडिया कार के लिए, क्योंकि वॉल्सवैगन कार कंपनी का इतना ज़्यादा सेल नहीं है। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे टाटा मोटर से या फिर ह्यूंडई से, अगर मारुति सुजुकी से कंपेयर करेंगे तो उनके मुकाबले इतना ज़्यादा सेल नहीं, पर हाँ इन्होंने जो यूनिट जो सेल किए हैं उस हिसाब से ये जो नंबर है डिसेंट है। जून 2019 में 2463 यूनिट सेल हुए थे। अगर हम लोग शेयर की बात करेंगे तो 38% अभी भी जो है यूनिट के मामले में इतना जो शेयर है वो लॉस कर रही है। आगे हम लोग बात करेंगे हाल ही में लॉन्च हुई MG हेक्टर की, उन्होंने जून 2020 में जो कारें है वो सेल की है 2012। आगे हम लोग बात करेंगे आठवें पोजीशन के, तो आठवें पोजीशन पे फोर्ड इंडिया, जिसके जून 2020 में 2639 यूनिट सेल हुए थे। अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे जून 2019 का तो 5333 यूनिट सेल हुए थे, मतलब देखिए 50% ये कंपनी वो यूनिट के मामले में शेयर है अभी भी लॉस कर रही है। ये है टोयोटा मोटर जो सातवें पोजीशन पे है, तो टोयोटा मोटर्स का जो सेल था जून 2020 में वो था 3866 यूनिट्स था। अगर हम लोग बात करें जून 2019 की तो जून 2019 में इस कंपनी ने जो कार जो सेल किए थे 3603 यूनिट सेल किए थे। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे लॉस शेयर की तो 63% अभी भी ये जो कंपनी है लॉस शेयर कर रही है यूनिट के मामले में। आगे हम लोग बात करेंगे सिक्स पोजीशन की रेनॉल्ट की, रेनॉल्ट इंडिया का जो सेल है वो मैं काफ़ी शॉक हो गया ये नंबर्स को देख के। अगर आप रेनॉल्ट में देखो तो इतने ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है कारों की, बट उसके बावजूद भी इस कार ने जून 2020 में 4634 यूनिट्स का सेल किया था। अगर हम लोग बात करेंगे जून 2019 की 5400 यूनिट सेल हुए थे, ओनली 14% ये कंपनी लॉस शेयर कर ले, मतलब अनलॉक पोजीशन में ये रेनॉल्ट इंडिया कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। आगे हम लोग बात करेंगे पांचवे पोजीशन की, तो पांचवे पोजीशन में है किया मोटर्स, जिसके यूनिट सेल हुए है आई एम सरप्राइजिंगली शॉक 7200 यूनिट सेल हुए है ओवरऑल इंडिया यूनिट से, वो अच्छा खासा सेल किया है। क्योंकि हम लोग अगर लास्ट ईयर का डेटा तो हम लोग नहीं निकाल सकते, बट यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है मई 2020 का, तो उसमें सिर्फ इसके 1600 यूनिट सेल हुए थे और आज देखो 7000 से भी ऊपर किया मोटर ने सेल किया अपने यूनिट्स। जाके जो फोर्थ पोजीशन में है वो है महिंद्रा, महिंद्रा की 8075 यूनिट सेल हुए है जून 2020 में। अगर हम लोग बात करेंगे जून 2019 की तो 18826 यूनिट सेल हुए थे। हम लोग लॉस शेयर यूनिट्स की बात करेंगे तो 56% से भी ज़्यादा इसका लॉस शेयर अभी भी हो रहा है यूनिट्स के मामले में। आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड पोजीशन में है टाटा मोटर्स, इसके यूनिट सेल हुए थे जून 2020 में 11419।
अगर हम लोग बात करेंगे जून 2019 की, तो जून 2019 में 16,209 यूनिट सेल हुए थे। अगर हम लोग लॉस शेयर की बात करेंगे तो 29% है लॉस शेयर यूनिट में। अगर हम ओवरऑल देखोगे तो टाटा मोटर्स का बिजनेस जिस हिसाब से जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो अभी इसका जो बिजनेस है वो डिसेंट बोर्ड में चल रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं, चल रहा अच्छा। आगे जाके इसका जो बिजनेस है और ग्रो हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे टॉप टू पोजीशन की, जिसमें है ह्युंडई और मारुति। वो पोजीशन पे है ह्युंडई, जिसके यूनिट सेल हुए थे जून 2020 में 21,320 यूनिट सेल किए थे ह्युंडई ने ओवरऑल इंडिया। अगर हम लोग बात करेंगे जून 2019 की, जून 2019 में 41,892 यूनिट सेल हुए थे ह्युंडई की। अगर हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करें तो अभी भी 49% है वो लॉस है वो बेयर कर रही है ह्युंडई। लोग बात करेंगे फर्स्ट पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन में है नो अदर देन मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी का जो सेल्स आउट था जून 2020 में वो था 51,274 यूनिट्स था। जून 2019 का जो सेल्स आउट था मारुति सुजुकी का वो था 111,014 यूनिट्स। मारुति सुजुकी अभी भी 53% से भी ज़्यादा लॉस बेयर कर रही है यूनिट्स के मामले में। अगर हम लोग ओवरऑल समरी देखो तो हमें पता चलेगा कि फोर्ड इंडिया और MG हेक्टर इनका जो सेल है कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे मई से, तो जो ग्रोथ रेट है वो 300+ ग्रोथ रेट है, मतलब अच्छा खासा सेल चल रहा है। बाकी कंपनियां भी कर रहे हैं, पर इन दोनों के कंपनी से अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से बात करें तो उतना जो ग्रोथ रेट है वो किसी कंपनी ने अभी तक अचीव नहीं किया है। तो दोस्तों ये जो कार कंपनीज का सेल था जून 2020 का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, भी इस वीडियो को यहाँ से मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।